हेलो एवरीवन, मार्वल बाजार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ इस वीडियो को ईयरफोन लगा के नहीं देखें, क्योंकि मशीनों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आने वाली है। सामने आप देख रहे हैं, यह है ब्लॉक्स की कटिंग। 30 mm से लेके 35 mm की कटिंग है। ये जो ब्लॉक्स हैं कटते हैं, ये स्पेशली मूर्तियाँ बनाने में काम में लिए जाते हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं मशीन कैसे ब्लॉक्स की कटिंग होती है, और आगे हमें और भी जानकारी देंगे मिस्टर विष्णु जी। अब दिखाते हैं आपको ब्लॉक्स की कटिंग कैसे होती है, और साथ में दिखाएंगे मार्बल की टाइल्स कैसे बनती है। दोस्तों, ये मशीन है जो ब्लॉक्स की कटिंग कर रही है, और इन्हीं ब्लॉक से तैयार होती है बहुत सारे मार्बल के आर्टिकल्स। और दोस्तों, ये मशीन 24 घंटे चलती है बिना रुके, और काफ़ी जगह से पत्थर आते हैं कटिंग्स के लिए। अब देखिए कितनी बड़ी मशीन प्रोजेक्ट लगा है ये। नीचे जो आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े ब्लेड हैं जो कि ब्लॉक को कटिंग करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इन्हीं से ही ब्लॉक काटे जाते हैं। दोस्तों, सामने जो आप क्रेन देख रहे हैं, इसी के सारे ब्लॉक्स को उठाकर कटर मशीन पे रखा जाता है, फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से मार्बल पर ब्लॉक्स की कटिंग की जाती है अपने यहाँ पे। ये सभी कटिंग करने के बाद में कुछ 20 से 40, 50 mm की साइज़ के अंदर जब कटिंग होती है, तो यही पत्थर, यही कटिंग पीसेस हम लोग मंदिरों में कढ़ाई के लिए, और मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारा के अंदर, और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स इन्हीं से बनते हैं, और हम पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई करते हैं। मकराना का मार्बल सभी जगह फेमस है, और बहुत ही बेहतरीन कारीगरी के साथ में हम कस्टमर के साइज़ के अनुसार उनको तैयार करके आर्टिकल्स पेश करते हैं। ये सभी यहाँ पे सभी तरह का पत्थर किया जाता है। वर्ल्ड का किसी भी तरह का अगर कोई कस्टमर जॉब्स होता है तो भी हम यहाँ पे कटिंग करके से दे सकते हैं। दोस्तों, सामने जो आप देख रहे हैं, ये है टाइल कटर मशीन, जिसके द्वारा मार्बल की टाइल्स बनाई जाती है। सामने आप देख रहे हैं। मार्बल स्लैब की कटिंग होने का प्रोसीजर होने के बाद ये टाइल्स बन चुकी है, और ये बिकने के लिए अब तैयार हैं। अब इन्हें गोदाम पे ले जाया जाएगा और वहाँ इन्हें सेल किया जाएगा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।